अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आया हूं जी टेक्सला म्यूजियम में। इधर बहुत से आसारे कदीमा हैं, अंदर चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं। शुरू करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये सामने है जी टेक्सला म्यूजियम। म्यूजियम उस साइड पे है और टिकट घर से है, जैसे टिकट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने का टिकट है? 20 रुपये। एक ये साइड पे आगे एंट्री है जी, और ऊपर लिखा हुआ है 1928 में ये म्यूजियम बनाया गया था। स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो दो तीन बार हम इधर आए थे, तो बहुत ही अच्छा अंदर एनवायरनमेंट था। अभी चल के देखते हैं, तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं तो मैं इधर आया नहीं हूँ। तो इसे देख लीजिए, ये म्यूजियम है। ये देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। ये कुछ पत्थर नुमा बने हुए हैं जी, और इनके ऊपर इनकी अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है। चूने के बहुत हैं जी इधर से सारे। महात्मा बुद्ध, ये सारे चूने के बने हुए हैं। ये इनमें सबसे बड़ा ये है जी, लेकिन इसका सर इधर नहीं है, महात्मा बुद्ध के मुजस्मे का सर। ये सारा इधर से लेकर उधर तक जो भी है ये सारा चूने से बना हुआ है। और ये दरमियान में ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी, ये आपको दिखानी है। एक ये जी बड़ा सा पत्थर, और इसके ऊपर नक्श बने हुए हैं ये वाले, सख्त पत्थर के हैं जी, और पत्थर के ऊपर कार्विंग हुई है, और ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखें जी, ये इनका मंदिर या मस्जिद नुमा ये नमूना सा बना हुआ है, और नीचे ये आप पढ़ सकते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ वोटे स्टूपा, स्टूपा जिनमें ये इबादत करते थे या जो कुछ भी था। अब मुझे ऐसा सच मालूम नहीं है इस बारे में। और ये भी कुछ चीज़ है जी, शेर का मुजस्मा हो सकता है या किसी और चीज़ का। ये पेंटिंग्स हैं जी, मूरल पेंटिंग्स ऑफ द बुद्धा, सरकब से दस्तयाब शुदा अस्तूप के चबूतरे का जंगल। पुराने ज़माने में लोग पत्थर को काट के तो किस तरह के मुजस्मे बनाया करते थे, बिल्कुल आपके सामने। और इस साइड पे भी ये मुजस्मे पड़े हुए हैं। ये किसका है जी? महात्मा बुद्ध के मुजस्मे का सर। एक ये और एक उधर था शायद ये वाला, एक ये और आगे ये देखें जी। इधर बहुत सारे इन मुजस्मों के सर पड़े हुए हैं। दोस्तों, जब मैं इधर म्यूज़ियम के अंदर एंटर हुआ तो उन्होंने ट्राईपॉड और माइक मुझसे ले लिया कि अंदर आपको ये ले कर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे वो उधर ही देना पड़ा। और फिर वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ, जैसी बनी है आप इसे इंजॉय कीजिए। एक साइड से जो है वो मैं इधर आ गया हूँ, अभी आगे आपको ये वाली चीज़ें दिखानी है जो देखें, और ये इस साइड पर भी है, और फिर दूसरी साइड पर चलते हैं। ये सारे पत्थर के मुजस्मे बने हुए हैं महात्मा बुद्ध पुजारियों के साथ। ये इनके पुजारी थे जी ये सारे, और इधर महात्मा बुद्ध भी होगा। ये वादा बड़े मज़े का बना हुआ है जी मुजस्मा, पता नहीं है किसका। इसके नीचे वो प्लेट नहीं लगी हुई, नेम प्लेट नहीं लगी हुई। पोट्री फ्रॉम वेरियस साइड्स, हर जगह से ये ने मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले। और एक बार मैं फिर बता दूं कि ये 1928 के जो चीज़ें मिली हुई हैं इन्हें, ये सारी इधर पड़ी हुई हैं। एनिमल फिगर्स 6 टू
सेकेंड सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, और ये वाले सारे मुजस्मे जो हैं ये जानवरों के बने हुए हैं। ये फिर एक बार बर्तन आ गया जी, मिट्टी के बर्तन, और ये आप देख सकते हैं पोट्री फ्रॉम बुद्धिस्ट साइट्स 1st to 5th century मेटल ऑब्जेक्ट्स, और उस दौर में भी मेटल के बर्तन जो हैं वो इस्तेमाल होते थे। और ये देखें जी, ये वाले सबसे बड़े बर्तन हैं जी मेटल के, जो इधर पड़े हैं। फिर बर्तन पड़े हुए हैं जी छोटे छोटे मिट्टी के, और ये आप देख सकते हैं ये जो हमारे गांव में अभी भी किसी किसी जगह पे इस्तेमाल होती है। अभी तो पानी के लिए कूलर आ गए, पहले घड़े होते थे और घड़ों के ऊपर ये वाले चीज़ रखते थे। इसमें ये सारे इनके अपने दौर के करेंसी से कह लें, ये सारी करेंसी है जी इनकी, और जो उस दौर में सिक्का चलता था ये सारा वही है, और ये सारे इनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये देखें जी, ये भी कॉइन्स हैं सारे चांदी के जेवरात, और देखें जी सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ये साइड में जी चांदी के बर्तन, और बर्तनों में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। ये भी एक छोटा सा मुजस्मा बना हुआ है, और इसके ऊपर नेम प्लेट नहीं लिखी हुई ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये है किसका, इधर कोई नहीं है वो। और चांदी के बर्तन और जेवरात ये फिर आप देख लें, ये आई थिंक जो हाथों में कड़े पहनते थे ये वो वाली हैं, और ये औरतों के हैं या मर्दों के हैं ये मुझे इतना नहीं पता। और ये ऊपर देखें जी पानी पीने के गिलास और दूध वगैरह, इनके नाम कुछ अजीब अजीब से हैं जी, कुछ जो मुझे समझ आ रही है वो मैं ले रहा हूँ, और जो कुछ समझ नहीं आ रही वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये देखें जी बुद्धिस्ट सदहार, पता नहीं क्या है जी, और ये देखें तबरकात की डिबिया, और इसमें ये अपने तबरकात रखते थे जी। शीशे से बनी हुई अंगूठियाँ, ये सारे शीशे से बनी हुई हैं जी चीज़ें, कुछ अंगूठियाँ ये इस साइड पे अंगूठियाँ, और ये बड़ी बड़ी बालियाँ टाइप हैं, कांच की चूड़ियाँ, बच्चों के खेलने के लिए घोड़ा गाड़ी बनी हुई है जी इधर, और ये देख सकते हैं जिससे टांके लगाए जाते हैं जी, सुई वगैरह, या गांव में अभी भी अक्सर इस्तेमाल होने वाला जैसे अपने बोरियों को टांके लगाए जाते हैं, सुए जैसे बड़े वाला सुआ होता है उस टाइप के, ये कुछ सुई वगैरह हैं जी। ये दुआते पड़ी हुई हैं जी, इंक पॉट जैसे कहते हैं, और पक्की मिट्टी की दुआते, कांसी की बनी हुई दुआते हैं जी, इंक पॉट कांसी का बर्तन जी। हर जगह पर इधर QR कोड लगे हुए हैं जी, थ्रू द टेक्स्ट म्यूजियम ऐप रीड अबाउट राइटिंग मटेरियल्स। अच्छा जी, आप स्कैन करके और इन मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं। ये पूजा का सामान पड़ा हुआ है जी इधर, ये भी पानी पीने या दूध पीने वाले चीज़ें लग रही हैं, गिलास जैसे कह ले जी, चमचे खाना बनाने वाले जो चमचे इस्तेमाल होते हैं वो वाले हैं, और ये खाने वाली चमचे हैं छोटी चमचे, तेल वगैरह नापने के पैमाने जो होते हैं ये वो है, वाटर कंडेंसर ये चेक करें ये इन्होंने किस तरह बनाया हुआ है जी। लोहार के औजार इस साइड में है जी, सुनार के औजार इस साइड पड़े हैं जी, कठालियाँ और जेवरात के सांचे, जिन सांचों में जेवरात को बनाया जाता था ये जी, टच स्टोन कसौटी, सिक्कों के सांचे, जो सिक्के बनाए जाते थे वो इन सांचों से बनाए जाते थे। किसान के औजार आ गए जी, ये देखें जी इसे क्या कहते हैं जी, हम पंजाबी में तो कई कहते हैं इसे, जो खोदने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये नीचे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी और क्या लिखा हुआ है फावड़े, एक्सेस एंड शेवल्स, और ये भी सारी उसी तरह की चीज़ें हैं जी, कुल्हाड़े ये हैं, और ये देखें दरांतियाँ हैं जी इधर, कुछ कुम्हार के औजार,
जो बर्तन बनाने वाला होता है कुम्हार कहते हैं, पोटेश टूल ये पड़े हुए हैं जी, और शाकूल पड़े हुए हैं, ये पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है इसका। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स के पास होते हैं ये वो वाली चीज़ें हैं जी। तराजू के पलड़े जो अभी भी पुराने ज़माने में जो तराजू होता है उसके एक पलड़े में इधर भारी वजन रख दिया जाता है और दूसरे साइड पे जिस चीज़ को मापना होता है वो रख दिया जाता है। अभी तो डिजिटल आ गए, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। ये घोड़े की लगामें हैं जी, ये तालों की चाबियाँ, दरवाजे की कुंडियाँ। जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये जी टेक्सटाइल म्यूजियम की जो ब्रांच है पुरानी 1928 में जो बनी थी, ये वाली है जी। इस म्यूजियम के दो हिस्से हैं जी, जिस हिस्से में हम पहले गए थे वो नया बना था और जिसमें हम बाद में आए हैं ये पुराना। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।